प्रेजेंटेड बाय टाटा टाटा टी टी अग्नि। अग्नि जोश जगाए हर रोज आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है लेकिन आज कल के मुकाबले हालात ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं राम जन्मभूमि पथ को सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है कैसे आज पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है चाक चौबंद है और लाइनें लगाकर कैसे दर्शनार्थी मंदिर तक जा रहे हैं और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं जो कल के मुकाबले आज की बेहतर स्थिति को दर्शाते हैं ये देखने के लिए मेरे सहयोगी गौरव कुमार पांडे राम मंदिर के पास पहुंचे राम मंदिर के पास का क्या कुछ नजारा है कैसे वहां पर भीड़ को व्यवस्थित किया जा रहा है इसको जानने के लिए समझने के लिए गौरव की रिपोर्ट देखिए आप नमस्कार मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त की टीम मौजूद है राम मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर जहां पर कल स्थिति काफी ज्यादा जो है भीड़ भाड़ थी और लोगों जो है लोग जो है धक्का मुक्की करके अंदर जा रहे थे लेकिन आज जो है आप देख सकते हैं कि आज काफी व्यवस्थित ढंग से जो है लोगों को दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है फोर्सेज यहाँ पर लगी हुई है और पहले से ही लगभग साढ़े पांच सौ छह सौ मीटर पहले से ही जो है सारी फोर्सेस इस प्रकार से लगी हैं कि लाइन जो दर्शन करने वालों लोगों की लाइन है वो सेपरेटली अलग किया जा सके और बाकी जो लाइन है वो अलग किया जा सके लोग जो है सुबह सुबह आज कड़ाके की ठंड में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है मेरे इस हाथ पर ये लाइन दर्शन करने के लिए जा रही है और यहाँ पर जो है बाकी आम लोग हैं जो वापस इधर जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं मैं आपको बता दू ये जो है राम मंदिर का मुख्य दरवाजा है मेन गेट है जहां पर इस वक्त काफी मात्रा में जो है फोर्सेस तैनात की गए ताकि किसी प्रकार से कोई भी जो भीड़ को लेकर जो अव्यवस्था है वो सामने ना आ पाए और लोगों को जो है नियंत्रित रूप से जो जो है अंदर भेजा जा सके आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त उसी लाइन में हूं जहां पर जो दर्शन करने के लिए लोग जहां जा रहे हैं उसी लाइन में अभी देखिए व्यवस्थित ढंग से इन्हें भेजा जा रहा हालांकि अगर हम कल की बात करें तो कल सुबह जो है इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि इतना अंदाजा नहीं था लोगों को कि इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में जो है बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हो जाएंगे इसीलिए व्यवस्था नहीं की कर पाए थे लेकिन आज आज जो जो है है कल का पूरा प्लान देखते हुए उसको पूरी व्यवस्था जो है जो है की गई आप देख सकते हैं कि छह सौ डिवाइड कर रहे हैं लोगों को ताकि लोग जो है आराम से बिना धक्का मुक्की किए अंदर जो है दर्शन के लिए जा सके और अगर बात करें प्लानिंग की तो कल जिस प्रकार से सुबह के बाद दोपहर की जो प्लानिंग की गई थी कि लोगों को ग्रुप वाइज जो है अंदर भेजा जाए वो जो है वो बस

रूप से जो है अंदर चले जा रहे हैं और लाइन में उन्हें कोई समस्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पर फोर्सेस दोनों साइड आप देख सकते हैं कि तैनात हैं और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था और इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। आप देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो उस साइड से लोग एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर जो प्रॉपर जो एरिया बनाया, बनाया गया है जो स्पेसिफिक एरिया बनाया गया है दर्शन करने वाले लोगों के लिए वो आप देख सकते हैं कि सीधे अंदर तक जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है अंदर तक लोग जो है बहुत ही आराम से इस वक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो लगातार ये जो है ये प्लानिंग चेंज की जा रही है लगातार भीड़ को देखते हुए पुलिसिंग भी अपने प्लान्स को चेंज कर रही है कि जो भीड़ अगर ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो उन्हें जो है कैसे किस प्रकार से रोकना है और अगर कम भीड़ है जैसे कि आज सुबह इस वक्त जो है काफ़ी काफ़ी कड़ाके की ठंड है काफ़ी कोहरा है इसी को देखते हुए आज जो है भीड़ को नियंत्रित किया गया है और उसी हिसाब से प्लान किया गया तो लगातार पुलिस के भी प्लान्स जो है वो बदल रहे हैं दर्शन करने वाले लोगों के लिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत उन्हें ना आए तो बाकी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक धन्यवाद